नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कर्नाटक के नव नियुक्त मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों पर नहीं होगा मंदिर निधि का इस्तेमाल। जी हां, शपथ लेते ही बोम्मई सरकार ने हिंदुओं के पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि लंबे समय से हिंदू समाज, हिंदू समूह इस मांग को लेकर लगातार अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे थे, जिसके बाद सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है और अब लिबरल और वामपंथियों यानी कि कांग्रेस और जेडीएस को बड़ा झटका साफ तौर पर लगा है। जी हां, एक बार फिर से लिबरल और वामपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है, क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सख्त फैसला सुना दिया है। जी हां, कर्नाटक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर यह साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि कर्नाटक में हिंदू धार्मिक संस्थानों और मात बंदोबस्ती विभाग के धन का इस्तेमाल अब किसी भी गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों को निधि देने के लिए नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद दरअसल उन्होंने इस साफ तौर पर बयान देते हुए बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कहा है और मैंने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि आपने जो मुझ पर भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा और अब ये बड़ा फैसला उसी मुलाकात का परिणाम साफ तौर पर माना जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों के लिए मंदिर निधि के उपयोग पर रोक लगाने वाले आदेश को अधिसूचित कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि मंदिर निधि की राशि गैर हिंदू धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी, यानी कि अब मंदिर के चढ़ावे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों के कल्याण के लिए ही किया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले कि राज्य और जिला धार्मिक परिषदों के सदस्यों की ओर से लगातार हिंदू मंदिरों से अन्य धार्मिक संस्थानों में धन के हस्तांतरण को लेकर लंबे समय से प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद आखिरकार सरकार की ओर से यह बड़ा कदम उठाते बड़ा फैसला लिया गया है। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मांत बंदोबस्ती विभाग ने दरअसल 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें मुजराई विभाग नियंत्रित हिंदू मंदिरों से किसी भी अन्य गैर हिंदू कारणों से धन के विचलन पर उसके हस्तक्षेप पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। जी हां, राज्य और जिला धार्मिक परिषदों के सदस्यों की ओर से हिंदू मंदिरों से अन्य धार्मिक संस्थानों में धन के हस्तांतरण का विरोध करने को लेकर लगातार मांगे उठ रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है और जिसकी अब लगातार पूरे देश में सराहना होती दिखाई पड़ रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि राज्य में लगभग 27,000 हिंदू मंदिरों को कवर करने वाले तास्तिक वितरण पर सालाना कुल 133 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन तास्तिक प्राप्त करने वालों में से 764 अन्य गैर हिंदू धार्मिक संस्थान है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने हाल ही में HRC विभाग के से मस्जिदों के इमामों को कोविड मुआवजे के वितरण का विरोध भी किया था और पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें अर्चकों और सी ग्रेड मंदिरों के कर्मचारियों के साथ साथ मस्जिदों के इमामों को भी और मस्जिदों को भी मुआजिनों को एक मुश्त मुआवजा देने का ऐलान किया गया था और तभी से लगातार ये मांग उठ रही थी कि अगर किसी भी हिंदू समाज का कोई व्यक्ति मंदिरों के लिए या मंदिर के कल्याण के लिए कोई ट्रस्ट या पैसा जमा करता है तो उसका इस्तेमाल सरकार इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों और मदरसों के लिए नहीं कर सकती है और इसी को लेकर लगातार आपको बताते चले कि लंबे समय से मंदिर के फंड का किसी दूसरी जगह इस्तेमाल करने को लेकर विहिप लगातार आपत्ति जता रहा था और विहिप ने इस संबंध में प्रदेश के मुजराई मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी को भी ज्ञापन सौंपा था, जिसमें यह मांग की गई थी कि हिंदू मंदिरों से प्राप्त धन उपयोग और सिर्फ मंदिरों और हिंदू समुदाय के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। जी हां, जिसके बाद लंबे समय से उठाई मांग पर संज्ञान लेते हुए हाल ही में पिछले महीने ही मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने यह आश्वस्त किया था कि कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती यानी कि HRCE विभाग के जो तहत जो धन का उपयोग किसी भी अन्य गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों को निधि देने के लिए किया जा रहा था वो अब नहीं किया जाएगा। जी हां, और मंत्री का यह बयान कई
हिंदू समूह और नेताओं की ओर से अन्य धार्मिक संस्थानों के पुजारियों और कर्मचारियों को HRCE से तास्तिक धन के वितरण पर आपत्ति जताए जाने के बाद साफ तौर पर सामने आया था। लेकिन आपको बताते चले, ये वाकई बड़ा फैसला कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक के हित में लिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वामपंथी नेता सिर्फ और सिर्फ अराजक तत्वों को लगातार बढ़ाने का, फलने और फुलाने का काम कर रहे थे, ऐसे में जरूरी था कि इस बीच ये बड़ा फैसला आए ताकि तमाम जो अराजक तत्व है उनकी मनमानी खत्म हो पाए। जी हाँ, इसको लेकर आपको बता दें कि साफ तौर पर हिंदू समूह के विरोध के बाद मुजरई कोटा मंत्री श्रीनिवास पुजारी ने निर्देश दिए थे कि विभाग से वित्तीय सहायता के ऐसे सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। हालांकि पुजारी ने तब ये भी आश्वासन देते हुए कहा था कि जब तक हमारी सरकार सत्ता में नहीं आई तब तक मंदिरों के लिए तास्तिक राशि अन्य धार्मिक संस्थानों को भी प्रदान की जा रही थी, और ये सूचना मिलने पर हमने साफ तौर पर कड़े निर्देश दिए हैं कि गैर हिंदू उद्देश्यों के लिए धन के सभी उपयोग को तुरंत रोक दिया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे जिन्हें अपने संबंधित विभागों के तहत इसका लाभ उठाने के लिए धन की आवश्यकता हो। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और मस्जिदों में गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसको लेकर लंबे समय से कर्नाटक में मांग उठ रही थी और वही भी लगातार इसको लेकर मांग करता हुआ दिखाई पड़ा था। जमकर लगातार विरोध प्रदर्शन इस फैसले को लेकर किए गए थे, जिसके बाद आखिरकार नव नियुक्त मुख्यमंत्री ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू समाज को बड़ी राहत दी है। हालांकि आपको बता दें कि 26 जुलाई को अधिसूचित इस आदेश में साफ तौर पर तास्तिक और वार्षिक अनुदान दोनों को 757 धार्मिक केंद्रों और 111 प्रार्थना केंद्रों में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है। आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ विभाग के माध्यम से संबंधित संस्थानों को इस तरह के अनुदान अब दिए जाए। तो ऐसे में ये कहना साफ तौर पर लाजमी है कि शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों में नए मुख्यमंत्री ने हिंदुओं का दिल जीत लिया है। और यही नहीं, आपको बताते चले कि अब एक के बाद एक बड़े फैसले कर्नाटक की सरकार लेगी, क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, और जिसको लेकर और सोशल मीडिया में भी अब लगातार बोम्मई सरकार की सराहना हो रही है। लोग साफ तौर पर इस फैसले की तारीफ करते हुए जमकर ट्वीट कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदू मंदिरों से प्राप्त आय को केवल हिंदुओं पर ही खर्च करने का विधेयक लाने के लिए नव नियुक्त मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक सरकार को बहुत बहुत बधाई है। जी हाँ, सभी ने इस बड़े फैसले का स्वागत किया है और लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि देश में कर्नाटक सरकार ही है जो हिंदुओं के हित में कई ढंग के काम कर रही है। आभार कर्नाटक सरकार का। जी हाँ, इसके अलावा लोग साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि यह आदेश बेहद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मंदिर की धनराशि भारत सरकार को दी जाती है जबकि अन्य धार्मिक न्यास ऐसा नहीं करते हैं। मंदिर के धन का गैर हिंदू संस्थानों की ओर से उपयोग किए जाने का कोई कारण सामने नहीं आता, लेकिन लगातार लंबे समय से यह कृत्य किया जा रहा था जो कि साफ तौर पर निंदनीय है। हालांकि लोग लगातार इसे बहुत अच्छा फैसला बताते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सभी मंदिर निधि का उपयोग धार्मिक उद्देश्य जैसे सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। संस्कार देना, गुरुओं की बातचीत करना, संस्कृत पढ़ाना, सनातन धर्म का प्रचार करना और धार्मिक पुस्तकालय, आरामदायक यात्रा और तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए एक बेहतर प्रबंध करने चाहिए और इन ट्रस्टियों का पैसा इन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कि लंबे समय से ये मांग लगातार हालांकि उठ रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ इस ट्रस्ट के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा था, क्योंकि हमने आपको बताया कि कैसे इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और मस्जिदों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था, और जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि कर्नाटक में कैसे वामपंथियों ने सिर्फ और सिर्फ अराजक तत्वों को पाल पोछ कर रखा हुआ हम सब ने देखा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि मदरसों में इन पैसों का इस्तेमाल कर उन्हें गलत शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी, किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ाया जाए इसको बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा था। लेकिन आपको बताते चले कि बोम्बई सरकार ने साफ तौर पर अमित शाह से मुलाकात के बाद ये बड़ा फैसला ले लिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अब ये तो शुरुआत है और आने वाले टाइम पे एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जाएंगे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब असम सरकार की तरह, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह, अब कर्नाटक की नई नवेली मुख्यमंत्री
मंत्री की सरकार की भी लोग सराहना कर रहे हैं और लगातार अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े एक्शन को लेकर अब कर्नाटक में उम्मीदें लोग लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।